Hello guys, good morning, welcome back to my channel and this is Ankita. So आज मैं थोड़ा weak हूँ, मेरा face देख के आप लोगों को पता चल रहा है. हाँ, क्योंकि weather बहुत ख़राब है, इसके वजह से पहले मुझे थोड़ा खांसी हुआ था, वो ठीक हो गया है. अभी मेरा बुखार है, दवाई ले रही हूँ, मेडिसिन ले रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन तब भी थोड़ा बुखार है. लेकिन कुछ भी हो, आप लोगों के साथ मिलना मैं कैसे भूल जाऊँ, राइट? आप लोग भी तो मेरा एक छोटा सा फैमिली हो, तो इसलिए. और सबसे बड़ा बात है ना, अभी मेरा शेड्यूल इतना ज़्यादा बिजी जा रहा है ना कि मैं आप लोगों के साथ बहुत कुछ शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन ये ऐसा हो गया है, अभी टाइम कम है, काम बहुत ज़्यादा है, ऐसा चल रहा है मेरा. मंडे टू फ्राइडे मुझे लगता है कि काम कम रहता है, अभी वीकेंड में बहुत ज़्यादा काम रहता है. कहाँ से वीकेंड चला जाता है पता नहीं चल रहा है, क्योंकि आप लोग जानते हो मैं रेंट के लिए भी इधर उधर जा रही हूँ, वो सब भी है, उसके साथ साथ घर का काम भी है, तो यही सब है. ऊपर से आज मेरा हाउस हेल्पर एब्सेंट है, तो वो भी एक रीज़न है. बोलते हैं ना, जब कुछ ख़राब होता है एक साथ में सब कुछ, लेकिन वो कुछ ही टाइम का बात है, वो फिर ठीक ही हो जाता है, राइट? तो हर टाइम पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो यही है. आज और एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि मेरे घर में और एक न्यू मेंबर ऐड हो चुका है. वो न्यू मेंबर क्या है, कब ऐड हुआ, वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ आज ज़रूर शेयर करूँगी. फ़िलहाल कुछ ही देर बाद, अभी तो मैं फ़िलहाल चाय लूँगी, तो वो मैं ले लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. ओके, तब तक के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए. जैसे कि मैं आप लोगों को बोली थी, मेरे रूम में सॉरी मेरे फैमिली में और एक न्यू फैमिली मेंबर ऐड हो गया है. मैं दिखाती हूँ. मेरे रूम में ना थोड़ा लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो लाइट नहीं ऑन करने से ना ठीक अच्छे से समझ में नहीं आता है, तो वो मैं दिखा देती हूँ आपको. तो ये है वो चीज़, मेरा न्यू फैमिली मेम्बर. होप आप लोग समझ पाए होंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बोल ही देती हूँ आप लोगों को. ये है माइक्रो ओवन. जी हाँ, ये अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ है. सो बहुत दिन बाद मेरे ब्लॉग में आप लोग इनको देखे ना, माय फुल जुड़ी. हाँ, तो जैसे कि मैं बोल रही थी कि मैं माइक्रो ओवन ली हूँ. एक्चुअली बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि मुझे माइक्रो ओवन लेना है, क्योंकि माइक्रो ओवन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, राइट? लेकिन सच बोलूँ, मुझे माइक्रो ओवन का कोई भी नॉलेज नहीं था. मैं ना कोई भी चीज़ खरीदने के पहले बहुत ज़्यादा नेट में उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ. तो बहुत सारा रिसर्च, बहुत सारा पढ़ने के बाद मुझे जो चीज़ समझ में आया, मैं ली हूँ IFP का 30 लीटर BRC2 मॉडल. बोलने के पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि मैं ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं कोई भी घर में ऐसा चीज़ ली हूँ, वो मैं उसका रिव्यू या कैसा वो काम करता है ये सब मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर की हूँ, राइट? इसके पहले भी मैं जब RO ली थी उस टाइम में भी मैं आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो आज भी मैं माइक्रो ओवन के लिए शेयर कर रही हूँ. तो ये लीटर वाइज है ना, आपका फैमिली कितना मेंबर है उसके ऊपर डिपेंड करके ये लेना पड़ता है. तो 20 लीटर 23 25 लीटर ये सब आपके फैमिली में अगर 2 मेंबर या मोर देन 2 मतलब 2 to 4 मेंबर अगर रहे तो उसके लिए वो बहुत ही इनफ है. और 30 लीटर होता है सबसे बड़ा वाला, इसके बाद है कि नहीं वो मुझे पता नहीं है. तो 30 लीटर में आपका फैमिली अगर थोड़ा बड़ा हो तो उसके लिए आप 30 लीटर ले सकते हो. 30 लीटर एक्चुअली 4 to 6 फैमिली मेंबर अगर आपके फैमिली में है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और यूज़फुल है बोल सकते हो. मैं इसीलिए थोड़ा बड़ा वाला ली हूँ क्योंकि फ्यूचर में पता नहीं है ना, फ्यूचर में कितना जन होंगे, क्योंकि मेरे इन लॉज भी यहाँ पर आने वाले हैं.
तो उसके बाद मेरे मम्मी पापा भी जब आएंगे तो ऐसे ही मैं इसलिए मैं एक बार मैं ली हूँ, और बार बार तो एक ही चीज़ के पीछे मैं नहीं खरीदना स्टार्ट करूँगी ना, तो इसीलिए मैं एक बार मैं बड़ा वाला ली हूँ। अभी आते हैं ये BR वाला, BR तो ये 30 लीटर वाला हो गया। उसके बाद आता है कि BRC2, SC4 आई गेस, एंड FL2 और FL4 लाइक दैट। तो उसका डिफरेंस ये होता है, BR मतलब होता है कि आपका जो माइक्रोवेन है उसका कलर होगा ब्लैक। FL वाला जो है उसमें है आपका माइक्रोवेन का कलर होगा ब्लैक, लेकिन थोड़ा फ्लावर वाला मोटिव उसमें रहेगा, फ्लावर वाला डिज़ाइन रहेगा, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। और AC वाला जो है वो है आपका सिल्वर कलर का होगा आपका माइक्रोवेन, तो इतना ही डिफरेंस है। तो और एक चीज़ होता है कि माइक्रोवेन में आपका ग्रिलिंग वाला भी होता है, कॉन्वेंशन वाला भी होता है, और सिर्फ गरम करने के लिए भी एकदम जो बेसिक वाला होता है, जो ओनली खाना गरम करने के लिए, ऐसा भी होता है। तो मैं हर टाइम यही चाह रही थी कि मेरे जो माइक्रोवेन मैं लूँगी उसमें दोनों ही रहना ज़रूरी है, मीन ग्रिलिंग वाला भी होना चाहिए और बेकिंग वाला भी होना चाहिए। तो इसीलिए मेरा ये माइक्रोवेव में दोनों ही ऑप्शन है, और उसके साथ साथ आप कोई भी खाना बनाना चाहो तो वो भी खाना आप बना सकते हो। और ऊपर से माइक्रोवेव के साथ मुझे कुछ बेसिक यूटेंसिल मिला है जो माइक्रोवेव के लिए यूज़ होता है। तो फिलहाल अभी तो ये अनबॉक्सिंग नहीं हुआ है, आज ये एक्चुअली कल डिलीवर हुआ है। आज इनका टेक्नीशियन आएंगे, या बोल सकते हो इंजीनियर जो भी है वो आएंगे। उसके बाद वो हम लोगों को थोड़ा समझाएंगे कि कैसे इसको यूज़ करना है, क्या क्या नहीं, बहुत सारा इसमें फैसिलिटी है, ये आप ऑटो क्लीन भी होता है, बहुत कुछ है, सब कुछ वो अभी समझाएंगे हम लोगों को। लोगों को भी थोड़ा नॉलेज हो जाएगा, जो लोगों के पास अभी माइक्रोवेव नहीं है या आप लोग खरीदना चाहते हो, तो उन लोगों के लिए मुझे लगता है ये थोड़ा अच्छा रहेगा, ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा काम में आएगा। तो इसीलिए मैं इसका इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की। तो यही था आप लोगों को बताना। तो फिलहाल मैं अभी जा रही हूँ बाहर, बाहर से आती हूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जब टेक्नीशियन आएंगे, तो उनके साथ शेयर करूँगी कि कैसे अनबॉक्सिंग किए और क्या क्या टिप्स वो हमको देखे गए, वो सब कुछ आज आप लोगों के साथ शेयर करूँ। हम लोग फ्लैट ढूंढते ढूंढते अभी बैठे हैं, एक कॉम्प्लेक्स में बैठे हैं। एक्चुअली इसी कॉम्प्लेक्स में ना हम लोग दो तीन फ्लैट देखने वाले हैं, लेकिन मज़े के बात ये है कोई भी ओनर नहीं जानता है कि इसमें हम लोग दूसरा भी फ्लैट देखने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल और एक ओनर के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे बैठे हैं। पता नहीं ये वाला कॉम्प्लेक्स में हम लोग रह पाएंगे कि नहीं, अगर रह पाएंगे तो ज़रूर ऐसा वाला आप लोगों को फिर से देखने को मिलेगा कि हम लोग ऐसे मियाँ बैठे बीवी हैं। बैठे हुए हैं। हाँ, और अगर इसमें नहीं रहेंगे तब भी एक बार के लिए आप लोग देख लिए, तो यही है फिलहाल, तो हम लोग वेट कर रहे हैं। माइक्रोवेन अनबॉक्सिंग भी हो गया, और इसके साथ साथ कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, वो भी हम लोगों को बोल के गए हैं। तो स्टार्टिंग में तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज़ इसके पहले, जैसे मैं बोली हूँ कि इसके पहले मैं कभी भी यूज़ नहीं की हूँ माइक्रोवेन, तो फर्स्ट टाइम ही मैं यूज़ करूँगी। इवन मैं खाना गर्म करने के लिए भी कभी नहीं यूज़ की हूँ माइक्रोवेन, तो मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम है।
तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं वो भी सीख जाऊंगी और अच्छा अच्छा वाला खाना भी बनाऊंगी उसमें। बहुत सारा कुकिंग करना भी है उस माइक्रोवेव में। तो यही था आज का ब्लॉग, आज मैं यहाँ पे ही ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी कोई नया चीज़ के साथ। अगर आप लोग मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा एंड ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिएगा, तो ही मैं कभी भी कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी कोई नया चीज़ के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।